इसी प्रकार ये ब्रह्मा कुमारी पंथ उसी प्रकार वही प्रोसीजर जो का जो आ रहा है। अब ये क्या मानते हैं कि गीता जी किसने बोला? ब्रह्मा कुमारी तो पूछा जिज्ञासु ने, तो उत्तर दे रही है ब्रह्मा कुमारी के सदाशिव ने बोला। कौन सदाशिव? जो ज्योत निरंजन ज्योत स्वरूपी है, उसने किसमें बोला? ब्रह्मा की आत्मा में प्रवेश किया। ब्रह्मा कौन बताया उन्होंने? लेखराज जी थे बंबई में, जौहरी थे वे, और उसमें कहते वो सदाशिव आ गया। कोई प्रेत आत्मा, कोई पितर, ये ऋषि लोग होते ना, ये इनकी साधना तो ठीक बनी नहीं, ये पितर बन गए, और ये किसी में आकर के प्रवेश कर जाते। एक गांव में एक जमींदार के शरीर में एक श्रृंगी ऋषि की आत्मा आती थी। उसका टाइम था शाम का, चार और छह के बीच में आ जाती थी, और वो फिर संस्कृत बोला करती, संस्कृत बोला करता, बोलता था वो जमींदार का शरीर, और अंदर बोल रही थी वह श्रृंगी ऋषि की आत्मा, और क्या बताता था कि मेरी भक्ति बिगड़ गई भाई, श्रृंगी ऋषि जिसने सुखदेव को भी, उस राजा परिषद को भी श्राप दे दिया था, और श्रृंगी ऋषि बड़ा तपस्वी साधक बताते थे, अब ऐसे वो आत्मा, अब वो कुछ भी सट्टे मारे संस्कृत उसको आती थी, क्योंकि आत्मा के अंदर ये पुराने संस्कार विद्यमान रहते हैं अंतःकरण में, जीव आत्मा में, जीव यो जीव जो है ये जीव जो कहलाता है ये आत्मा समेत है, और जब जीव खत्म हो जाएगा केवल आत्मा रह जाएगी, जीव नहीं रहेगा फिर। तो इसी प्रकार इस ब्रह्मा कुमारी यानी श्री लेखराज जो बात हुए हैं जौरी, उनकी आत्मा में कौन आया? कोई प्रेत आ गया, और वो कोई ऐसे ही अधूरे सुधूरी साधना करने वाला, जिसकी वैसे ही, क्योंकि अंदर जब ध्यान लगाएंगे समाधिस्थ हो जाएंगे ब्रह्मांड का, ना जाने कौन से लोक में, असंख्य इतना इंद्र जाल बताते हैं ना, इतना इसमें कबाड़ रखा काल ने स्वर्ग ब्रह्मांड में, ना जाने कौन से समाधि पहुंच जा, और वही रचना कर रखी इसने, कितने लोगों की अलग अलग से अपने हिसाब से, अब मतलब छोटे छोटे द्वीपों की। ये ब्रह्मा विष्णु में चक्कर में पड़ गए, बता इस लेखराज ने कैसे कैसे समझ माने देगा ये काल, अब देखना ये कौन बताए। ये जिनके शरीर में वो प्रवेश किया, ये देखो ये है ज्ञान योग पत्रिक पवित्रता शांति पथ प्रदर्शनी, नीचे देखिए प्रदा पिता ब्रह्मा कुमारीश्वरीय विश्वविद्यालय पांडव भवन माउंट आबू राजस्थान, ये किस में प्रवेश किया? यहां देखो ये है, इनको ब्रह्मा कहते हैं, इनका लेखराज शर्मा नाम था, और एक जौरी थे, ये जौरी इसमें वो प्रेत आत्मा आ गई, और फिर देखना फिर इसकी इसकी आत्मा जब ये मर गया इसमान लग गई, और ये भी मर गया, दो चाहिए इन दोनों आत्मा ने, ये दो बैठे हैं, ये आत्मा दो ब्रह्मा कुमारी बैठे हैं, क्योंकि एक की आत्मा इसमें इसकी आओ एक दूसरे की आओ, उसको सदाशिव की आत्मा कहते हैं कि वो आती है ब्रह्मा की आत्मा, इसको ब्रह्मा बताया महापुरुषों ने, और कहते शिव की आत्मा ने फिर मामा आवे ब्रह्मा की आत्मा इसमा आवे अभी बोल रहे, और फिर ज्ञान देवे, और ये कौन शिव कौन है? सदाशिव वही जिसने गीता बोली थी वही है, ये सवा सदाशिव श्री कृष्ण कहते वो श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये देखो ये है पिता श्री ब्रह्मा, अब इसको ब्रह्मा नाम रख दिया, नाम इनका लेखराज भी था, जिनके जिनके माध्यम से परम पिता शिव ने ज्ञान दिया, यहां देखो जगदम्बा सरस्वती जिन्होंने ज्ञान वीणा द्वारा आध्यात्मिक जागृति लाई, आगे देखो नीचे विवरण देखिएगा, जिस मनुष्य के तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया,
वह उस समय कलकत्ता में एक विख्यात जौहरी थे और श्री नारायण के अनन्य भगत थे। यह देखो त्रिकालदर्शी परमात्मा शिव ने उनके तन में प्रवेश किया, उनके मुख द्वार ज्ञान एवं योग की द्वारा उनके मुख के द्वारा मित्र पूछ की तरफ प्रवेश करके कोई और ज्ञान एवं योग की शिक्षा देने वाले सभी ब्रह्मा कुमारों और ब्रह्मा कुमारियों में जो श्रेष्ठ थी उनका इस अलौकिक जीवन का नाम हुआ जगदम्बा सरस्वती। वह यज्ञ माता हुई। अब देखो फिर ऊपर ये पूरा पीछे किए पीछे देखो ये यज्ञ माता होगी। अब इन की आत्मा इसमें आती है क्योंकि ये भी प्रेत बन गए पितर बन गए शास्त्र विरुद्ध साधना करके। अब हमने इन बातों को देखना है प्रेम पूर्वक। देखिएगा इनके द्वारा रचना ये सृष्टि रचना देखे इनकी कितनी बढ़िया बनाई है इन्होंने। ये देखो शिव का परम धाम, तीन लोक कौन से हैं और शिव का धाम कौन सा है। यहां देखिए पहले चित्र देखें इनका, तीन लोक कौन से हैं और परमात्मा शिव का धाम कौन सा है। ये तीन लोक बताए इन्होंने कौन सा, ये तो कहते हैं ये देखो नीचे आगे लाओ, ये तो ब्रह्म लोक। कौन सा ब्रह्म लोक ने बना लिखा बाहर लिख रखा इससे बाहर इस, ये एक ब्रह्मांड बताओ, ये एक ब्रह्मांड है, ये अंडे जैसा ये एक ब्रह्मांड है। ये तो ब्रह्मा का ब्रह्म लोक और ये तो लिख रखा है सूक्ष्म लोक। ये देखो इधर लिखा सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म लोक ब्रह्मा विष्णु और शिव पुरिया। अच्छा नीचे देखो ये है साकार मनुष्य लोक, ये है साकार मनुष्य लोक और ये यहां ऊपर देखो और पीछे कर लो ये दिखा रखी है ये इनकी पुरिया। देखो जिक्र भी नहीं कहा वो पुरिया, ये एक ब्रह्मांड की रचना बताई इन्होंने। और क्या बताते हैं देखो कि मनुष्य लोक तो ये है जिसमें जिन व्यक्तियों का ये मनुष्य आत्मा मुक्ति अथवा पूर्ण शांति की शुभ इच्छा तो करती है परंतु उन्हें यह मालूम नहीं कि मुक्ति धाम अथवा शांति धाम कहाँ है। इसी प्रकार परम प्रिय परमात्मा शिव ने मनुष्य आत्मा मिलना तो चाहती है, उन्हें ये याद भी करती है परंतु यह मालूम नहीं कि वह पवित्र धाम कहाँ है जहाँ वह जाकर परम पिता शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। जहां से आकर परम पिता शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। ये कितना देखो पहला था साकार मनुष्य लोक, सामने चित्र देख दिखाया गया है कि यह एक साकार मनुष्य लोक है जिसमें इस समय हम हैं। ये पृथ्वी लोक को ये मनुष्य लोक बताओ जिसमें हम बैठे और इसमें सभी आत्माएं हड्डी मांस आदि सतुल शरीर से लेकर कर्म करती है। नीचे देखो दूसरा सूक्ष्म देवताओं का लोक, इस मनुष्य लोक के सूर्य तथा तारागण के पार तथा आकाश तत्व के भी पार एक सूक्ष्म लोक है जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश के अंश मात्र में ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव शंकर की अलग अलग पुरिया है। अच्छा देखो यानी यहाँ उन देवताओं के शरीर हड्डी मांस आदि के नहीं बल्कि प्रकाश के हैं और यहाँ उनको दिव्य चक्षुओं द्वारा देखा जा सकता है। ये देखो यहाँ संकल्प तो होते हैं क्रियाएं भी होती हैं और बातचीत भी होती है परंतु आवाज नहीं होती। जो कही है जो कर आवाज नहीं होती इनकी, ये तो बोल रहे हैं जैसे गूंगे बोले अगर जैसे बिना आवाज की तो होती है ना, बिना आवाज की फिल्म हो कहते ऐसे रहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनका आवाज को नहीं।
और तीसरा बताते हैं ब्रह्मों को। ये वो लोक है जिसमें केवल एक बिंदु दिखाई देता, बिंदु जो केवल एक बिंदु दिखाई देता है वो लोक है ये। यहां देखो ये वही है माउंट आबू से प्रकाशित ज्ञान योग पवित्रता शांति का पथ प्रदर्शनी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी स्वरीय विश्वविद्यालय पांडव भवन माउंट आबू राजस्थान। इसमें देखो एक आश्चर्यजनक बात, इधर निराकार परमात्मा और उनके दिव्य गुण। कहते हैं शिवजी निराकार हैं, उनका आकार कोई नहीं, परमपिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता। आगे इधर देखो, परमपिता परमात्मा का दिव्य नाम और उनकी महिमा। परमपिता परमात्मा का नाम शिव है, शिव का अर्थ कल्याण आदि करना। नीचे देखो, वह जन्म मन से सदा मुक्त सदा एक रस आदि आदि। अच्छा, मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देने के लिए सोम अथवा अमृत पिलाने और अमृत पद देने वाला। वह सदा जगती ज्योति सदा शिव है, वैसे एक ज्योति है जो सदा। नीचे देखो, परम पिता परमात्मा का दिव्य रूप ये है, परम पिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति बिंदु के समान दिए की लौ जैसा है, दिए की लौ जैसा है। वह मूर्ति अति निर्मल, वह रूप अति निर्मल स्वर्ण में लाल और मनमोहक है। वह दिव्य ज्योति रूप के दिव्य को दिव्य चक्षु द्वारा देखा जा सकता है और दिव्य बुद्धि अनुभव किया जा सकता है। परमपिता परमात्मा की उस ज्योति बिंदु रूप की प्रतिमाएं भारत में शिवलिंग नाम से पूजी जाती है। अवतरण के बाद महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। निराकार कारक ये देखो, लगभग सभी धर्मों में अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, परंतु इस शब्द से वे यह अर्थ लगाते हैं कि परमात्मा का कोई आकार रूप नहीं है। और क्या अर्थ होगा इसका? निराकार का अर्थ ही है जो कुछ भी ना दिखे, अपनी थ्योरी बना के क्या कहते हैं, नहीं नहीं। जब परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं कि ऐसा मानना भूल है। वास्तव में निराकार का अर्थ है कि परम पिता साकार नहीं है, अर्थात न उसका कोई मनुष्य जैसा स्थूल शारीरिक आकार है और न देवता जैसा स्थूल सूक्ष्म शरीर आकार, बल्कि उनका रूप अशरीरी और ज्योति बिंदु के समान है। बस ज्योति बिंदु के समान, बिंदु। अब देखो, बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे अपने घर की गडरे। अब देखो, बिंदु से कितना ही छोटा है तो आकार तो होगा। अब जैसे कोई आग लगा दो, क्या कहोगे भाई? अब कितना ही कोई छोटा सा छोटा बिंदु रख लो, उसका भी आकार बनेगा। ये तो ज्योत दिए की ज्योत बताओ, दिए की ज्योत। अब मान लो कि हम ये छोटा सा आकार बना देते हैं, ये देखो, अब इसको क्या कहेंगे? इससे भी छोटा बनाएंगे, नोकेंगे अभी गोलाकार है। और ये क्या कहेंगे? बिंदु आकार है। मान लीजिए बिंदु, ये बिंदु है बना दिया, इसका भी आकार है। और ये कहते हैं नहीं, बिंदु आकार नहीं होता, आकार साकार का अर्थ होता जो अनविजिबल हो उसको निराकार कहते हैं, जो दिखाई ना दे। और कोई भी ये कहते हैं शिव का लिंग है ना, शिवलिंग तो सही है उसका, तेरा गले भैया ये कहते हैं कि शिव तो निराकार है, लेकिन उसका जो लिंग हम देखते हैं ना, ये पत्थरों की मंदिरों में मूर्ति बन रही, कहते वो सही है, वो साकार है, वो बिल्कुल ठीक है। ये देखो, इसी की ये वही किताब है जो कि भगवान शिव तो मनुष्य रूप में आकार है और उसका लिंग निराकार है, और बिंदु लिंग शरीर निराकार पर वही है। अब देखो इस पे शिव और शंकर में अंतर, कहते हैं शंकर तथा शिव, ये तो शंकर है और यो डला शिव है, तेरा गजब भैया, यो डला शिव है, परम पिता रखूटे भाग थरे
अर्गेला मारे। ये देखो ये क्या लिखा है कि सूक्ष्म लोक निवासी विनाशकारी आकारी देवता रचना, ये देखो परम धाम निवासी कल्याणकारी निराकार परमात्मा, ये देखो ये निराकार परमात्मा अरे तरह गजब हो यो। कुछ सोचते लो बोलन के पहला, सारे शास्त्र फेल कर दिए, सब ऋषि फेल कर दिए, निराकार साकार क्या होता है, डरा भी आकार जो भी दिखे सामने के यू है भगवान, ये पक्का भगवान, ये परमात्मा है मेरे बंदी छोड़, मेरी भी अच्छी ड्यूटी लाई मालिक ने मेरे मैल धोने की। अब यहां देखो इसमें क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी से पूछा गीता का ज्ञान किसने दिया कि भगवान, सदाशिव ने, वो सदाशिव आपके सामने है, जो काल है जो आप पूर्ण विवरण आपके सामने सब शास्त्रों में प्रमाण, अरे इनका कोई प्रमाण नहीं, किसी भी शास्त्र का एकांश भी आधार नहीं इन महापुरुषों का, अपने तुक्के मारे भूत बोल रहे इनके अंदर। पहले एक लड़की बोला करती ब्रह्म कुमारी थी, एक दो ब्रह्मा कुमारी बैठे क्योंकि एक में तो वो भूत पहले वाला जो ब्रह्मा इसमें लेखराज जी माया करता, अरे लेखराज की आत्मा और दूसरी माँ दोनों बैठ कर बोल रहे वहां से, दोनों भूत बोल रहे इसमें, अपने अपने सट्टे मार के दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, ये बंद समाज नहीं सोचना पड़ेगा ये तो मानने को ना, क्योंकि वहां का है। और फिर कहते हैं कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, बस ना को नाम जाप करना, ध्यान लगा लो क्या का दो तीन बिंदु का, और गुरु की आवश्यकता नहीं ना कोई नाम जाप करना, ये खूब करा भाई काम। अब देखो साप्ताहिक पाठ्यक्रम, ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन आबू पर्वत राजस्थान। अब इसमें देखो क्या कोई पूछा है ब्रह्मा कुमारी जी से, प्रश्न नंबर 143 पे, यहां देखो किसी ने पूछा बहन जी यह जो रहस्य आज आपने सुनाए हैं वो बहुत ही नए और गुह्य है, नीचे सुनो पहले यहीं से चलते हैं, ये क्या बताती है ये, क्या गीता गीता के भगवान को जानना जरूरी है, ब्रह्मा कुमारी पूछती है से पूछा। हाँ जीवन में पवित्रता सुख और शांति के लिए प्राप्ति के लिए साथ साथ तो इस प्रश्न का बहुत गहरा के साथ तो इस प्रश्न का बहुत गहरा संबंध है कि पहले पहली को जानने से ही तो मनुष्य मुक्ति और जीवन मुक्त अर्थात प्राधिकारिक होता है। आप पूछेंगे कैसे, देखिए गीता गीता के भगवान के वाक्य हैं, हे वत्स तू एक मुझे याद कर। देख युकेश क्या है, मन मनाभव, यानी पूरा श्लोक नहीं दो अक्षर ले दिए कहीं, क्योंकि पूरा लिख दिया तो इनको सरलार्थ करना ना हो, दो अक्षर ले लिए मन मनाभव, ये है ठार में जाएगा 63वां श्लोक, ठर में जाएगा 65वां, और नीचे चार अक्षर ले लिए कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ये ले लिया सर्व पापे भय मोक्षामी, ये 18वें जाएगा 66वां श्लोक के दो लाइन ले ली है। कहते हैं अब प्रश्न उठता है कि ये महावाक्य किसने बोले, क्या श्री कृष्ण ने बोले या किसी और ने, कहते हैं किसके हैं, श्री कृष्ण देवता के या ज्योत स्वरूपी परमात्मा शिव के, शरीरधारी देवता तो याद करने से मनुष्य बला मुक्ति की आवश्यकता अवस्था था, शरीर के संबंध बंधन से न्यारी अवस्था कैसे प्राप्त कर सकता, फिर पतित पावन तथा पाप कटेश्वर तो एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई पापों का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा की करते परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, इसलिए यह बात स्पष्ट करनी पड़ती है कि गीता का ज्ञान वास्तव में सर्व आत्माओं के परमपिता ज्योत स्वरूपी जीवन मुक्ति के दाता ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रचयिता ज्ञान के सागर मौलिक जन्म से रहित पतित पावन परमात्मा शिव ने दिया, और उसे ही आप याद कीजिए, उस परमात्मा से ही आपको मुक्ति जीवन मुक्ति अथवा श्री नारायण श्री कृष्ण जैसे वेद पद की प्राप्ति होगी। अब फिर देखो वो श्लोक, इन्होंने क्या लिखा है कि ये दो अक्षर लिए हैं, मन मना भव,
पूरा नहीं लिखा, ना कोई श्लोक नंबर लिखा, पर मैं बताऊंगा कौन सा लिखा है इन्होंने, और सर्व पाप में भी बोक्षामी। अब ये इस बात को तो मानते हैं सुन सुना के पढ़ पढ़ा के किता वो, क्योंकि साना चतुर आदमी थे ये लेखराज जी, और फिर ये और इससे भी कोई साना भूत था वो इसमें आ गया। अब ये क्या बताते हैं कि जो ज्योति रूपी निरंजन काल है ये सदाशिव है बिल्कुल, और ये तो काल है। जैसे आप देखिएगा शिव महाप्राण, ये शिव महाप्राण में जैसे आपको बताया था, क्योंकि जो भक्तात्मा इस पूरे सत्संग को सुन लेगा फिर तो ये इनके बच्चे के खिलौने लगेंगे, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा। अब देखिए ये है वो शिव महाप्राण, और ये वास्तविक ब्रह्मा के द्वारा बोलेगी, इस नकली ब्रह्मा के द्वारा नहीं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इनके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, इनके रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में प्रश्न नंबर 100 पे सिर्फ इतना ही दिखाऊंगा कि ये काल जो है ये काल और दुर्गा, यही काल ज्योत निरंजन जिसको सदाशिव भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं, और इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। संक्षिप्त रुद्र संहिता प्रश्न नंबर 100 पे अब देखो, ये महादुर्गा की महिमा है, दुर्गा की महिमा है जो महापार्वती रूप में इस काल के साथ ब्रह्म लोक में रहती है। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती मायावती तत्व की जनित विकारित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है जिसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता भी कहा गया है। नित्य और मूल कारण भी कहते हैं सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं। अगर ये कोई समझदार भी बोल रहा होता साथ में ये भी बताता ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, पिता वो तो बता दिए कि सदाशिव न रचे, इनकी माँ कौन है, अर्थात अल्पज्ञ है ये जो उसके अंदर बोल रहा है, सुनी सुनाई कोई कथा सुन दी भूत ने, अरे वो ऐसे बोल रहा है। अब देखो नीचे, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, और ये सदाशिव कौन है, वे तो सदाशिव हैं, वे परम पुरुष शीश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं, वे अपने वे ऊपर देखो, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। ओए ओए, ये काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ये है वो काल जो वास्तव में जिसने गीता बोली। ये कौन है, ये ज्योत निरंजन, और ये गुप्त रूप में रहता है। अब इसी ने गीता बोली, ये प्रमाण ये है कि इसमें लिखा है कि अर्जुन में काल हूं, ये गीता इस भगवान ज्योत निरंजन के द्वारा नौकी नौ बोलेगी श्री कृष्ण में प्रवेश करके, कोई बिल्कुल सही। और इसी काल ब्रह्म ने ज्योत स्वरूपी निरंजन सदाशिव ने चारों वेदों को बोला, और वो वेद फिर समुद्र में प्रवेश किए, ब्रह्मा ने मिले और ब्रह्मा ने फिर पढ़े। उसके बाद कुछ प्राकृतिक उथल पुथल के बाद ये एक एक ऋषि में प्रवेश करके उसी काल में जो सदाशिव ने ज्योत निरंजन ने और फिर सबको वो दोबारा जो केतु लिखवा दिए। ऐसे ये गीता ज्योत निरंजन ने श्री कृष्ण में प्रवेश होकर बोला, उसके बाद वेद व्यास में प्रवेश करके ये गीता जो केतु लिपिबद्ध करवा दी वही काल, और सेम बोला, इतना अक्षर का भी फर्क नहीं इसमें। और अगर ये सदाशिव बोल रहा होता तो ये उठ पटांग नहीं मारता, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा। अब ये क्या बताते हैं, कहते हो सदाशिवता और ब्रह्मा की आत्मा में कोई भूत बना हुआ ब्रह्मा भी, तो ये जो क्या नाम है लेखराज जी, वो तो शरीर छोड़ चुके हैं, तो एक कहाँ है एक शिव थी माँ ब्रह्मा की आत्मा भूत, उस भूत में भूत बढ़े और फिर वो भूत बढ़े उस लड़कियां में, अब जो वर्तमान में बैठी फिर वो बोल रहे कमाल की बात, फिर सीधा क्यों ना आ जा बाईपास क्यों चल रहा, सीधा क्यों नहीं आ जाता थ्रो प्रॉपर चैनल, जैसे पहले आज श्री कृष्ण में ऋषि में एक एक ऋषि में वेद व्यास जी में बोल के चला गया, अगर मोहम्मद में बोल के चला गया, अब दो दो आत्मा एक में आज वो काम चले इनका। अब देखिए इसमें 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन और सबको खाऊंगा, ये काल बोल रहा है गीता को, और ये सदाशिव काल है जिसकी पूजा के लिए खुद कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले कि इस काल की पूजा सदाशिव की पूजा करो, और ये कहता है उस परमात्मा की भक्ति करो, मेरी भक्ति ठीक नहीं,
ये परमात्मा, ये तो खुद कहता है कि मेरी भक्ति तो अनुतमाम है। अब 11वें अध्याय का 32वां श्लोक देख करके आप देखिएगा। अब जिन्होंने ये लगातार सत्संग सुना है उनके तो भ्रम निवारण हो चुके हैं, फिर भी आगे भी ये सीडी बन रही है, कैसेट बनेगी। दास का उद्देश्य यही है कि हो सकता ना जाने कब कौन कौन प्यारी आत्मा और खोल ले अपने टीवी ने और कित बाग जग जांच के। ये वही गीता जी अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 32 देखो। लोगों का नाश करने वाला मैं बढ़ा हुआ काल हूं, खुद कह मैं महाकाल हूं। वैसे तो काल है माने काल हूं, कोई बात नहीं महाकाल कह दे उसने। वो इस समय इन लोगों का नाश नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, यानी अब मैं वहां से चल कर आया हूं गुप्त स्थान पे और श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा हूं। और इसलिए प्रतिपक्ष की सेनाओं में स्थित योद्धा लोग ये तेरे मारे बिना भी नहीं रहेंगे, मैं सबको मार दूंगा, ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे और तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। सिद्ध हो गया ये काल बोल रहा है। अब आइए जो इन्होंने दो श्लोक बताए हैं, एक एक अक्षर लिया इन्होंने, मन मना भव और सर्व पापे व्यापोक्षामी। जब ये पूरे लिख दें तो इन्हें शब्दार्थ करना ना आवे, पूरा इसने न्यू नहीं लिखा है, एक अक्षर दे दे बताओ उससे के समझे। एक दो श्लोक लिख देते जब उसकी गीता का महिमा गा रहे हो भगवान ने ऐसे ऐसे वचन बोले तो दो चार शब्द लिख देने थे। और ये भगवान तो कह रहा है कि मैं तो उसी परमात्मा और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कोई, उसकी शरण में हूं। 15वें अध्याय का 4वां श्लोक फिर देखो, क्योंकि इनका आपस में एक दूसरे के साथ लिंक बनता है। यही 15वें अध्याय का 4वां श्लोक है, ये देखिए नीचे इधर। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को वही बाती खोजना चाहिए जिसमें गए हुए फिर लौट कर संसार में नहीं आते, जिस परमेश्वर से ये गीता बोलने वाला सदाशिव बोल रहा है कि जिस परमेश्वर से सौर्य ब्रह्मंडों की रचना हुई है, पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। ये सदाशिव तो कह रहा है कि मैं तो कोई और परमात्मा है, उसके अधीन हूँ मैं, सर्वेश्वर नहीं हूँ। और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का निधि दर्शन और यानी उसी की पूजा करनी चाहिए। और फिर ये क्या बताते हैं 18वें अध्याय का 62वें श्लोक में, अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62। ये 12 सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जाइए, सदाशिव बोल रहा है, खुद कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जाइए, काल बोल रहा है, और उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। काल का परम धाम तो यो जन्म मरण का है, ये कहता है तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो रही है, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, हम तो जन्म और मृत्यु में अविनाशी नहीं है। अब देखो 63 में कहा कि इस प्रकार ये गुप्त से गुप्त भेद मैंने तुझे कह दिया, क्योंकि सारी गीता बोल दी। अब जैसे तुझे अब तू कह दिया, अब तूने जो ठीक लगा वैसे कर ले, मेरी भक्ति करेगा तो वो ठीक पूरी नहीं है, वो भी अनुतमाम घटिया से घटिया। और उस परमेश्वर की करनी है तो तू सोच ले उन संतों को ढूंढ ले। अब देखो 64वें श्लोक में क्या लिखा है, एक और गुप्त बताता हूं तुझे, गुहतमम गुह शरणो मे परम वचन, और गुप्त से गुप्त मेरे वचन सुन ले, इष्ट असी में दृढ़म इति, जिसमें 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तुझे संकेत कर रहा हूँ और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में संकेत कर रहा हूँ, मेरा भी पूज्य देव वही है, ये सदाशिव कह रहा है, ये ज्योति निरंजन काल कह रहा है, मेरा इष्ट मेरा भी पूज्य देव, इष्ट माने पूज्य देव, असी माने है, मे माने मेरा, दृढ़ माने पक्कम पक्का, नो डाउट बगैर निसंशय यही तत्वक्षामि ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा मैं और किसी को नहीं बताऊं। आगे देखो इन्होंने इष्ट कार प्रिय कर दिया। अब 65वें में वो शब्द है इनका जो कहते हैं मन मना भव। अब ये है 65वां श्लोक, इसमें क्या बताया कि मन मना भव, बस ये दो लाइन ले ली, तीन दो
ये पूरा श्लोक लिखते हैं के कलम के सैथी भाई, ताकि पता लग जाता है आम आदमी को, ना सोचा ना कौन से श्लोक का है, कौन से का ना है। हरिदास ने तो के ऊपर कृपा परमेश्वर की, इनके संकेत ही समझ जाते हैं कि ये कहाँ बोल रहे हैं, कौन सा स्टेशन पकड़ गए इनके। तो एक मिनट में कोई से स्टेशन पे, एक मिनट में कोई से स्टेशन पे, इनका कोई देह नहीं कि कौन सा स्टेशन बोल रहा है इनका रेडियो का। अब देखो क्या गीता का ज्ञान, क्या गीता का एक सौ, क्या गीता का ज्ञान भगवान के, भगवान को जानना जरूरी है? हाँ जरूरी। देखो क्या लिखा है, मन मना भाव बस। या देखो हे वत्स, तुम एक मुझे याद कर, मन मना भाव, और फिर सर्व पापे व मोक्षामि, ये 18 अध्याय। अब प्रश्न उठता है कि ये वाक्य बोले किसने, कृष्ण जी ने बोले या सदाशिव ने, ज्योति निरंजन ने बोले? स्वयं कहते हैं कि ज्योति निरंजन ने बोले ये। ये देखो 144 पे, 143 पे आप देख रहे थे, ये इधर देखो 144 पे, ये वाक्य किसके हैं, श्री कृष्ण देवता के या ज्योत स्वरूपी, ज्योत स्वरूप परमात्मा शिव के? हाँ ज्योत स्वरूपी शिव के हैं, परमात्मा ज्योत स्वरूपी शिव ने ही गीता का ज्ञान, वास्तव में सर्व आत्माओं के परमपिता ज्योत स्वरूपी, ज्योत स्वरूप जीवन मुक्ति, जीवन मुक्त के दाता ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रचयिता, ज्ञान के सागर लौकिक जन्म रहित पतित पावन परमात्मा शिव ने दिया, ये ज्योति निरंजन शिव, ये काल ने दिया। अब ये क्या कहता है, अब देखो 18वां अध्याय लिखता है 65वां श्लोक देखो, इसमें क्या लिखा कि मन मुझ में मन वाला हो, 65वां चल रहा है, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है, या प्रिय माने ठीक लिख दिया प्रिय। अब काल कहता मेरी शरण में मैं आता है तो नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं की पूजा त्याग दे, तो उनसे अच्छी राहत मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी पूजा भी अनु तमाम घटिया से घटिया है। यहाँ देखो ये काल कहता है कि लेकिन मेरी पूजा तो बिल्कुल व्यर्थ है। यहाँ देखिएगा मेरी भी पूजा कति गलत है, अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 18। ये 18 में उदारा सर्वे एवं एति ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम। अब क्या कहता है ये काल के, जिन्होंने ये पता लगा कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए वेदों अनुसार, और उन वेदों में पाया केवल ज्योति निरंजन काल तक की भक्ति, ओम नाम का जाप और मेडिटेशन ध्यान, इसके इससे प्रभु नहीं मिलता, जैसे कल दिखा था 11वें अध्याय 48वें श्लोक में कि ये तेरे सिवा अर्जुन ना तो कोई पहले देख सके ना आगे देख सकता, ये है मेरी प्राप्ति, वो है वास्तविक रूप ज्योति निरंजन का, नहीं अर्थात कोई किसी से भी परमात्मा नहीं मिला है, ना वर्ण वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जब से, ना तब से, ना जब से, ना किसी ज्ञान से। ये देखिएगा पहले ये देख करके फिर ये आइएगा, और जिस कहते मैं नहीं देखा जा सकता किसी प्रकार भी किसी सूरत तक। ये देखो ये 11वें अध्याय का 48वां श्लोक देखें, नीचे देखें, हे अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार ये है मेरा वास्तविक रूप, एमएम रूप है मेरा वास्तविक रूप, इस प्रकार का रूप जो मेरा यही रूप है जो मैं वास्तविक दिखा रहा हूं, एमएम माने सही रूप, ये है मेरा जो मैं तुझे दिखाई देता हूं, मैंने वेदों में वर्णित विधि से ना किसी यज्ञ से न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से और न तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा कभी नहीं देखा जा सकता हूं। अब तो साकार दिखाया उसने गीता, गीता वाले भगवान ने तो मनुष्य जैसा था वो, अरे नो कहे ना उतने निराकार बिंदु है, बिंदु के सामने हजार बुझा हजार सब देख देख कर बताने लग रहा काल, और अर्जुन आंखों देखा बता रहा। अब फिर देखिए 7वें अध्याय का 18वां श्लोक इधर आओ, काल क्या कहता है कि मैं इन ऋषियों ने ओम नाम के जाप से वेदों मणि विधि से कोशिश तो बहुत की पर मैं मिला नहीं, इन्होंने सोच लिया वो निराकार है और एटम बम बन गए, 84 लाख दुनिया छूटी नहीं क्योंकि इनको परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के ज्ञान बताने वाला वो तत्वदर्शी संत ना मिला, जिसके कारण क्या बताते हैं, उदारा सर्व एवं एते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम,
ये ज्ञानी आत्मा जिनको ज्ञान हो गया कि एक भक्ति भक्ति करे ब्राह्मण उस जीवन असफल है, और भक्ति करें तो केवल एक परमेश्वर की करें और करना व्यर्थ है, पूर्ण ब्रह्म की ना, ब्रह्म की ठीक ना परब्रह्म की ठीक ना ब्रह्मा विष्णु महेश की ठीक, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटती नहीं, अंत कर्म दंड कटता नहीं। तो कहते हैं उनको उस परम पिता के बताने वाला फिर संत मिलाना। इसलिए आस्तित से ही युक्त आत्मा वो बेचारी वह युक्त आत्मा उदार आत्मा जैसे महर्षि चुनक जैसे महर्षि कपिल जैसे महर्षि दुर्वासा जैसे कहते आश्रित वो आश्रित रही सही वो जो कि भगवान में लीन आत्मा प्रभु को चाहने वाली डिवोटी आत्माएं सोल्स आत्माम एवं अनुतमाम गति मेरे द्वारा मिल मुझ में ही मेरे वाली घटिया ते घटिया सचिथी में मेरे तक की भक्ति में वो बेचारी वो पुण्य आत्मा वो मेरे वाली घटिया आत्मा में आश्रित वो मुक्ति भक्ति में आश्रित रही कति अनुतमा अरिणों ने अनुतमाम का अर्थ लिख दिया अति उत्तम। बता कहां कहां से अनुतमाम थे चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले उत्तम माने बढ़िया अनुतम माने घटिया अरि अनुतम माने कहे अति उत्तम। और यहाँ 24वें श्लोक में यही सातवें अध्याय के में अनुतम माने अनुतम और यहाँ भी अनुतम लिख देते चलो ना समझ में आवती थे इतना कर देते अनुतम माने अनुतम गति रूप मुझ में सचित है वैसे दिया ही बात आ जाती सारा सीधा हो जाता। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जैसे इन्होंने कहा मैं तुझे सर्व पापे व्या मोक्षामी मा सोच अब वो सुनाता हूं आपको। अब ये क्या बताया है कि पूरी गीता का ये पूरा गीता शास्त्र बोल दिया काल ने ज्योति निरंजन ने सदाशिव ने और तेरा भी जब मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मृत्यु तेरी मिटे ना मेरी मिटे नहीं और तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए आगे भी होते रहेंगे और तूने भक्ति करनी उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो उन संतों को ढूंढ ले जो तत्वदर्शी संतों मैं नहीं जानता उस परम पिता उसके बारे में। अब क्योंकि ब्रह्मा कुमारी वाले कह रहे ना गीता जो इसने सदाशिव ने बोली बिल्कुल सही कहा ये तो इनका सुना सुनाई कथा है ज्ञान है इन लड़कियों की। और ये देखो पहले देखो चौथे जाएगा चौतीसवा चौथे जाएगा चौथा श्लोक पांचवा श्लोक चौथे जाएगा पांचवा श्लोक ये पवित्र गीता जी। और यहां देखो चौथे अध्याय का अध्याय नंबर चार का और श्लोक नंबर पांच ही है ये हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं उन सबको तो नहीं जानता मैं जानता हूं ये काल बोल रहा है ज्योति निरंजन सदाशिव के मेरे तेरे बहुत जन्म मृत्यु हो लिए और तेरे मेरे तो बहुत जन्म होंगे आगे भी होंगे। और फिर देख लो ये इनको अजन्मा बताते हैं इनका अदर अमर है ये विनाश नहीं होता ये स्वयं दूसरे अध्याय के अंदर 70वें श्लोक में कहता है दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में कि नाश रहित तो उसको जान। अब देखो ये दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक लो दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 12 क्या देखो न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि और नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे अर्थात तेरी और मेरी जन्म मृत्यु होती रहेगी। अब 17वें श्लोक में देखो कहते हैं नासरी तो उसको जान तू ये दूसरे अध्याय का ये 17वां श्लोक नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दर्श्य वर्ग व्याप्त है और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है स्वयं को तो नाशवान बता रहे हैं ज्योत स्वरूपी ज्योत रूप भगवान सदाशिव ये काल और कहता वो परमात्मा तो कोई और है। बताओ अब ये गीता बोलने वाला भगवान ऐसे अब थोड़ी उठपटांग बात करो अदर अमर है फलाना है अगेन वो बोलता था 18वें अध्याय का 66वें श्लोक पर तो निचोड़ आ गया। अब ये कहा कि अगर मेरी शरण में आना है तो मेरी भक्ति कर और मुझ में मनवाला और नीचे की भक्ति छोड़ दे पर मेरी भक्ति भी उत्तम नहीं है अश्रेष्ठ कति व्यर्थ क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती कर्म दंड कट नहीं सकता। और ये कहते हैं पाप कटेश्वर महेश्वर
इस सदाशिव ने जो पाप दोने पैदा कर दे, ज्यादा से ज्यादा यही लगा सके पाप और कोई ला नहीं सकता, और इसको पाप कटेश्वर कहे। अब देखो, अब कहते हैं, अब 66वें श्लोक का क्या इन्होंने दिया है, बस ये लिखा है सर्व पापेभ्यः मोक्षामि, बस ये इतना हिंट लिख के और छोड़ दिया। पूरा लिख देते हैं यो श्लोक, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में जब भगवान शिव बोल रहा होता, सदाशिव भी जो काल बोल रहा होता, तो ये पूरा श्लोक बोलता, ये सुनी सुनाई दो अक्षर ना बोलता वो। हाँ, तो इस जिसके कारण ये उलट जा कर जस पूरा श्लोक लिख देते, आप भी उलट जाएंगे जाएंगे कहा, क्योंकि परमात्मा की प्यारी आत्मा जो है, आप कोई बालक नहीं बोलो लेख्य ने, अब ये सब समझेंगे जिन्हें भक्ति चाहिएगी वह बुद्धि से काम भी लेगा। इन उल्टी अटकड़ों में से चार योग हो गया हमने और अटकेंगे। देखो गीत क्या, गीता के भगवान को जानना जरूरी है, यह देखो सर्व पापे का मोक्षामि, बस ये छोड़ दिया इतना लिख के। ये कौन से का है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, ये ऊपर देखो अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66 है। इसका केवल ये हिस्सा ले लिया, सर्वे पापे भय मोक्षामी, क्या अर्थ है कि सर्व धर्मान प्रीताज माम एकम शरणम व्रज, सर्व धर्मान सभी धर्मों की, सभी धार्मिक पूजाओं को, मेरे लेवल की जितनी भी धार्मिक पूजाएं मुझ में, माम माने मुझ में, प्रीताज माने छोड़ के, हाय हाय, मुझ में सब मेरी पूजाओं को छोड़ के एकम एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, अद्वितीय जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, अर्थात सर्वशक्तिमान की शरण में, व्रज माने जा, अहम तवा सर्व पापी व्या मोक्षामि मा सुच, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर अर्जुन। अब देखो, अब ये गीता बोलने वाला कहते हैं ये तो श्लोक उसी भगवान का है जो सदाशिव का, अब और को तो ये कहते ना गीता में मिलावट कर दी होगी, ये तो सही मानते हैं ना इसको, कि ये तो सही उन्होंने बोला है। तो अब इसमें क्या बोला उन्होंने, ये देखो, ये खुद गीता ये क्या बताते हैं कि सर्व कर्मों को, अर्थात संपूर्ण कर्म करते हुए कर्मों को मुझ में त्याग कर, या लिख तू केवल एक मुझ, देखो मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वेश परमेश्वर की शरण में आ जा, वर्ज माने आ जा बताते हैं ये, और वर्ज माने जाना होता है। अब ये सदाशिव तो कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जाओ तुम, और ये कह तुम इसकी पूजा करो शिव की, ब्रह्मा कुमारी वाले। अब देखो, अहम तुझ मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सर्व पापे व्या मोक्षामि, ये दो अक्षर इनके, सर्व पापे व्या मोक्षामि, शोक शोक ना करे। अब दिखाऊंगा आपको वर्जमाने क्या होता है, वर्जमाने क्या होता है ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। अब सबसे पहले दिखाता हूं शिव श्री विष्णु पुराण, ये श्री विष्णु पुराण, और ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें वर्ज माने जा, और ये कहते आजा, और वर्ज माने होता है जाना, बिल्कुल दो राय है इसमें। और ये उल्टा कर रखा है इन्होंने, और इसी को वो ब्रह्मा कुमारी वाले फटमान रहने गई हो, तो भगवान ने बोला सज्जोत निरंजन ने, अब ज्योत निरंजन ये बोलेगा उल्ट सुल्ट, और मेरी शरण मेरी पूजा करो। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और ये देखो अनुवादक मुनि लाल गुप्त, मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर से। अब इसके प्रश्न नंबर 31 पे ये देखो, ये प्रश्न नंबर 31 अध्याय नंबर 2 अध्याय नंबर 9 यहां देखो नीचे, ये 35 नंबर श्लोक में, ये मंत्र 34 ये 35, प्रावेशरम शरणम व्रज, ये वही वह कहता है जय व्रज, व्रज माने जा। यहां देखो ये 34वां श्लोक समाप्त हो गया, या 35 में कहा है तुम दैत्यधनम प्रावेशरम भगवान विष्णु की शरण में जाओ, बिल्कुल ठीक है, नो डाउट, जाओ माने चले जाओ, व्रज माने जाना, आना नहीं होता जाना, ये कहते हैं आजा। अच्छा, ये तो इन्हीं के द्वारा ये सही किया है इन्होंने निष्पक्ष भाव से, और यहाँ ये असमंजस में पड़ गया कि ये परमात्मा और किसके बारे में कह रहे हैं, वहां जाओ
क्योंकि ये तो श्री कृष्ण मानकर सर्वेश्वर माने बैठे इसको। अब यहां देखो, ये संस्कृत शब्दकोश, संस्कृत और हिंदी शब्दों में विशेष अंतर नहीं होते। ये देखो, संस्कृत हिंदी शब्दकोश वामन शिवराम आपटे के द्वारा, और इसमें क्या लिखा है, वह के तलर है और जय वृक्ष, वह के तलर है जय वृक्ष, वर्ज माने जाना चलना और प्रगति करना। और नीचे देखो वर्जन, ये क्रिया बन जाती है वर्जन, वर्जन माने वर्ज, वह के तलर है जय लूट, घूमना फिरना यात्रा करना निर्वासन देश निकाला। और ये कहते हैं आजा, ए तरह गजब हो। अब देखो, और ये कई कई है मेरे पास, चार पांच छह रखी है मैंने, और इनमें से दो लिया मोटी मोटी छांट के। यहां देखो, ये नीचे वर्जन, ऊपर देखो ये वर्ज, वर्ज माने गमन जाना चलना, और वर्जन ये क्रिया बन जाती है वर्जन, चलना जाना। और ये कहते आना आजा, ये काल क्या कहता मेरे पीछा छुटा ले, और भाई मैं काल हूं, और ये कहते आजा। और इसको कहते हैं कि इन्होंने कहा कि ये तो सदाशिव ने ये वाक्य बोले ही बोले, अर्थात ये तो मान गए ये कि ये श्री ज्योत स्वरूपी निरंजन ये दोनों श्लोक बोले और दोनों आपके सामने पेश होंगे, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये ब्रेन का सूत्र ब्रेन के ठीक नहीं फिट बैठ रही उनमें। ये क्या कहते हैं, कहती ये भगवान ने ना बोले शब्द, ये तो ठीक बोले ना, फिर इनको देख लो आप। ये देखो, इसके साथ साथ और भी महापुरुषों की यही दिखाता हूँ लीला, इन्होंने एक दूसरे की कॉपी कर दी नकल जी। ये देखो श्रीमद भगवत गीता आचार्य सुधांशु जी महाराज, और इन्होंने ये कहां से प्रकाशित है ये भी देख लो, मैंने सोचेंगे ऊपर जलद जलद दिखा दिया, कई बार ऐसी समस्याएं हमारे सामने कि एक ऊपर जलद बनवा रखी हो महाराज जी ने। प्रथम संस्करण इतना तृतीय संस्करण इतना, 101 रुपये कीमत एक की, प्रकाशक है विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी पब्लिक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली, दूरभाष इतने इतने। प्रस्तुति करते हैं लेखकीय जगदीश चंद्र अरोड़ा व नरेंद्र आदि गौरव आदि आदि इनके, यहाँ देखो मुद्रक है इंटर इंडिया पब्लिकेशंस। अब ये 18वां श्लोक देखिए, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखिए, अध्याय नंबर 18 का 66 नंबर श्लोक क्या है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज, अहम तो सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर, पहले धर्म तक कोई था ही नहीं जब गीता बोली गई, न हिंदू था न मुसलमान न सिख न ईसाई, छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। और वर्ज माने अभी आपको दिखा जाना चला जाना देश निकाला लेना, यानी मेरे से पीछा छुड़वाना, और मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। काल कहता है, काल कहता है कि मैं मेरा ऋण दे दे और फिर चला जा बेच सकता है। और ये कहे या कह रहे हैं कि काल, ये भगवान कह रहा है कि मेरे पास से जाइए मत और मेरे अंदर मेरे अंदर रह तू। अब देखो सामने कोई पोस्टर लगा हो, कोई साइन बोर्ड लगा रखा हो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन के लिए भी, आगे मत जाओ, वो भयंकर भयंकर रास्ता आगे, भयंकर बियाबान जंगल है, और या कोई खतरा है इसमें, और वहां कोई खड़ा मेरे जैसा पैंट कोट पहन गए, और कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, वो पूछा भी क्या लिखा है इसमें, रास्ता जाना निषेध है या अलाउड है, और वो था अनपढ़ गंवार, उसने और पैंट कोट पहन गए चश्मे लाए बैठा था खड़ा था, उसने सोची जब तू ना बतावेगा तो बात बिगड़ेगी, तेरी आज बेइज्जती होए, कहने का बहुत अच्छा जाओ जाओ, ऐसे लिखा कि जाओ बहुत बढ़िया रास्ता हुआ, तो वो कर दिया इन्होंने।
काल के मुंह में दूने फंसा दिए। कहते हैं भगवान तो कह रहा मेरे पीछा छुटवा ले, निकल जा तू अगर तेरे तेरे भी बताऊं, क्योंकि तू मेरा बहुत प्यारा है, रे मावन तेरे तय ते। और मैं काल हूँ सब न खाऊंगा, उस संत ने ढूंढ ले पर जो यहाँ से तुमने निकाल दे, और उस वो जब जाएगा ना यहाँ से तो मेरी जो तूने ये ऋण, क्योंकि हमने काल के लोक में ब्रह्म के लोक में ऋण असंख्य योग हो गए, इसके हम ऋणी हो गए बहुत गणे, इतने ऋणी हैं कि वर्णन नहीं कर सकते आपको, याद भी आप काल जा पाठ जा आपने सारे बता देते हैं। लेकिन एक मंत्र ऐसा मिलेगा सतनाम सच्चा नाम, आपको ये एक श्वास की कीमत इतनी होगी पूछो मत, तब ये आपके सारे जीवन में पिछले ऋण इस काल के मुक्त होंगे, बहुत डट कर भजन करोगे जब। तो ये कहता है कि क्या हम क्या करते रहे ओम नाम के जाप से, ज्योत निरंजन की भक्ति करके ऋषि बनकर, और इसका मान भी खाते रहे जैसे दान धर्म करके, कहां स्वर्ग में चले गए देवता बन गए, वहां स्वर्ग में चले गए वहां हजारों लोगों तक रहे, और फिर नरक में जाना पड़ा, फिर 84 लाख दुनिया भोगनी पड़ी, इस कारण जो का तो रह गया हमारे ऊपर। अब हम क्या करेंगे कि इसके रेस्टोरेंट में या कुंजी बर्बाद नहीं करें अपनी, और इसको दे देंगे काफ संभालो हमें, यज्ञ कुत्ते के दे मत बनाइयो अपना, ये पकड़ो ये तो एक मंत्र देंगे हम आपको, इसको दे देंगे और यो फिर हमारे को छोड़ देगा। ये कहता है कि उसकी शरण में जाना है तो मेरे सब कर्ज तार जा तू, सर्व धर्मान धर्मान माने धार्मिक पूजाओं को प्रीतज माम मुझ में छोड़ दे, तू जितनी आज तक कमाई मेरे लेवल की, और एकम शरणम जा वर्ज, वर्ज माने जाओ, और फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि पापों का दंड भोग रे कुत्ते के दे बनकर टांग करके हाथ टूटे, तो फिर ये इसका कर्ज दे देंगे, वो पाप कहा हमारे ऊपर, ये छोड़ देगा जा भाई। तो भगवान तो ये करा रही है, संत जन कह रहे हैं, भगवान कह रहा है कि मेरी सर मेरे मुंह में आ जा उल्टा ही, जाना मत, ये महापुरुषों की इनकी लेखनी देखो ये परमात्मा। श्रीमद भगवत गीता संत आसाराम जी, संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद से प्रकाशित है। आदरणीय श्री आसाराम जी का चित्र और इनके करकमलों द्वारा ये गीता और इनके आश्रम से उपलब्ध, अर्थात इनको ये सहमति है इनकी कि बिल्कुल सही है जो हमने यहाँ से भेजा है शास्त्र बना के, और जिम्मेवारी भी है। 18वां अध्याय नीचे देखिए 66वां श्लोक, सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षामि मा शुच। नीचे देखो, संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ में, मुझ सर्वशक्तिमान, मुझ में त्याग कर मुझ में आ जा, कोई बात वही है, कोई सेंस भी ना बनती इसकी। देखो, संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वद्वार परमेश्वर की शरण में आ जा, और लिखना था जाओ, इन डिक्शनरी भी उठाकर ना देखी, शब्दकोश भी ना देखा, एक दूसरे की कॉपी नकल कर दी। अब ये सारे फेल होंगे, कई बार पकड़े जाते हैं ना बच्चे, 10 के 10 फेल होया करें इकट्ठे, जिनकी कॉपी मिल जाती है, अब ये सारे फेल होंगे। देखियो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब देखो महापुरुषो, अब इस अरमान बढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, हम 2 दिन के मेहमान बता के मेहमान बढ़ाई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहिब, क्या नाम है सर आपका? सर अखिलेश कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं अखिलेश जी? सर बेसिकली मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ, बाकी पिछले 10 साल से मैं लुधियाना में हूँ, और अभी लुधियाना में ही बेसिकली अभी जॉब कर रहा हूँ। क्या काम करते हैं सर आप? सर मेरा अपना बेसिकली डिज़ाइनिंग का काम है, और शुरू से ही मैं डिज़ाइनिंग फील्ड में हूँ, और भगवान की कृपा से मैं इसमें अच्छा पैसा अर्न कर रहा हूँ अभी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने पिछले साल 2 अप्रैल 2017 को लिया है, और उससे पहले भी मैं पूजा पाठ करता ही था, बट जो मेन भक्ति है जो मेरे को समझ में आया वो पिछले साल 2 अप्रैल से ही शुरू हुई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर
रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं काफ़ी भक्ति करता था। ये पूछे कि मैं क्या नहीं किया, जितने भी देवी देवता है उनके जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर भी गया हूँ, बैजनाथ धाम गया हूँ जल चढ़ाने के लिए, ये मान्यता थी हमारे जो बाप दादा हैं वो भी जाते आए हैं, हम भी वहाँ पर जाते रहते थे। उसके अलावा जो तीर्थ स्थान है, नौ देवियाँ हैं उनके भी तीर्थ पर गया हूँ। उसके अलावा घर पर भी जो पूजा पाठ होता था उनमें भी सम्मिलित होता था। जितने भी भक्ति करने हो, चाहे रामनवमी करने हो चाहे जन्माष्टमी हो, उसमें भी सहता था, भूखा रहता था, और जो भी मन में मुराद होती थी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता था, चाहे महाशिवरात्रि हो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, उसमें बहुत श्रद्धा के साथ मैं पूजा पाठ किया करता था। और बेसिकली मैं, मेरे पापा जो हैं वो पूजा में ही अधिकांशतः विश्वास करते हैं, तो मैं भी उनको देखा देखी शिव जी को बहुत मानता था और शिव जी में मेरी भी आराधना बहुत ज़्यादा थी, इतनी थी कि कोई भी बात होता था तो मेरे मुँह से ओम नमः शिवाय का जाप अपने आप निकल जाता था और अपने मन को शांत कर लिया करता था। तो इसलिए पूजा पाठ में तो मेरा शुरू से ही बहुत रुचि था, बहुत विश्वास है और भगवान में बहुत ज़्यादा श्रद्धा था, और भगवान के विषय में मेरे को जानने का इतना प्रबल इच्छा थी कि मैं उसको लेकर के वेद पुराण वगैरह सारा मैंने खरीदा। मेरे पास नाम दीक्षा लेने से पहले से ये मौजूद थे, इन पर विश्वास था। मैं एक मंदिर है यहाँ पर लुधियाना में ही, घुमार मंडी में रहा करता था, तो वहाँ पर कृष्ण मंदिर है, तो वहाँ पर सुबह में जाना, 5 बजे के समय में जाना और सारा पूजा ख़त्म होने के बाद करीब 8:30 बजे वहाँ से लौट के आता था, और मुझे जो जानना था, जो जानकारी लेनी रहती थी वो पंडित जी से मैं पूछता था, वो अपने स्तर का मुझे ज्ञान बताते थे। और मेरे मन में बहुत सारे सवाल हुआ करते थे कि जैसे कि सारे देवी देवता जो हैं वो भारतवर्ष में ही जन्म क्यों लेते हैं, या ये सतयुग में सारे जो था एक ही समाज था, जैसे कि सनातन धर्म हुआ करते थे, त्रेता में भी सनातन धर्म था, हिंदू ही हुआ करते थे, द्वापर में भी सारे सनातन धर्म थे, लेकिन ऐसा क्या कारण पड़ा कि सारे धर्म जो है वो एक सनातन धर्म जो है सारे धर्म में विभाजित हो गया, क्या कारण पड़ा कि कुछ हिंदू जो है ना कोई ईसाई बन गए, कुछ हिंदू जो है कुछ मुसलमान बन गए, इस तरह के बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे। और इन तरह के सवालों का जवाब पाने के लिए मैं बहुत पंतों में भी गया, जैसे कि राधा स्वामी पंत में भी गया और वहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन एराइजेस किए, बट मेरे सवालों का जो मुझे सवाल का जवाब चाहिए था वो मेरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। हालांकि राधा स्वामी पंत में जाने के बाद मुझे ये ज्ञान हो गया कि गुरु के बिना जो ना ज्ञान नहीं होता है, और वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन मेरे जो मन को संतुष्टि चाहिए थी वो संतुष्टि वहाँ पर नहीं मिल पाई। मैं उनको छोड़ के फिर मुझे जो है ना किसी मेरे कुलीग ने बताया, मेरे दोस्तों ने बताया कि एक पंथ है ब्रह्म कुमारी, वहाँ पर से जो है ना वो बहुत सारा साधना जो है नया साधना सीखने को मिलता है, नया चीज़ सीखने को मिलता है और जो पूर्ण परमात्मा उनके विषय में जानकारी मिलती है। तो मैं वहाँ पर ब्रह्म कुमारी में भी गया, करीबन 8-10 दिन मैंने वहाँ पर भी लगाए। वहाँ पर एक कोर्स होता है जिसमें जो है ना वो पूरी सृष्टि रचना वगैरह के बारे में बताते हैं, बट वहाँ जाने के बाद भी करीबन 3-4 दिन के बाद मुझे जब त्रेता युग और द्वापर युग के बारे में बताने लगे कि राम जी जो थे उनका जन्म नहीं हुआ, रावण एक कहावटी है, एक बनावटी किस्सा है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उनसे जो हमें ज्ञान दे रही थी उनसे मैंने चर्चा खत्म होने के बाद उनसे मैंने ये सवाल भी किया कि अगर राम जी नहीं हुए थे, त्रेता युग का कहानी अगर झूठी है, रावण अगर नहीं था, तो बताइए कि ये जो सागर में अभी भी कुछ पत्थर है जो उसके अवशेष जो है ना बहुत सारे मंदिरों में मिलते हैं, वो तैर रहे हैं, वो कैसे तैर रहे हैं, उस पर राम कहाँ से लिखा हुआ है, ज़रूर इसमें कोई रहस्य है। मैंने उनको लैपटॉप में जो है ना वो अपने डाउनलोड किया हुआ फोल्डर था उसको भी मैंने दिखाया, सारा दिखाया, तो उनका जवाब नहीं मिलने के बाद वहाँ से भी मैं निराश होकर अपने घर आ गया। फिर उसी तरह से अपना साधना चलता था। मेरे एक दोस्त हैं जो बहादुर को रोड पर एक फैक्ट्री है, वहीं पर उन्होंने बोला कि आपका सवाल का जवाब शायद कुमार स्वामी जी के यहाँ मिलेगा। उस समय, जिस समय की बात है, उस समय कुमार स्वामी जी का प्रोग्राम जो है दिल्ली में चल रहा था, बट मैंने जो है ना वो मन तो बना लिया जाने का, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 महीने के बाद फरवरी में जो है ना वो लुधियाने में भी यहाँ पर वो सवाल के सामने एक फील्ड है वहाँ पर होनी है, तो मैंने सोचा कि वहीं पर देखूँगा। सर, जैसा कि आपने बताया, आपने इतनी भक्ति साधनाएं की, आपने राधा स्वामी पंथ से नाम उपदेश लिया, फिर आप ब्रह्म कुमारी पंथ में गए, फिर आपने कुमार स्वामी के पास गए, तो इन सब साधनाओं से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए?
सर इन सब से मुझे लाभ तो कोई प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं लाभ प्राप्त करने के व्यू से नहीं गया था। जो मेरे को कष्ट थे, शारीरिक कष्ट थे या धन से कमी थी या जो भी थी, उस चीज़ का तो भरपाई बाद में होता है। पहले तो मेरे मन को शांति चाहिए था, जो कि वहाँ पर जाके मिला नहीं, क्योंकि जो मेरे सवाल थे वह पहले भी उसी तरह के थे। और जिस समय मैं कुमार स्वामी जी के यहाँ से आया, उस समय भी मेरे पास वही सवाल थे, तो सवाल तो उसी तरह खड़े थे। सो मुझे वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला, ना ही मैंने मेरे को पूजे पहले के पूजा पाठ से भी कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे होने के बावजूद भी मेरे घर के बजट ऐसे थे कि मैंने एडमिशन नहीं ले पाया। मैं बीमार था, काफ़ी बीमारियां थी, वो भी मेरा ठीक नहीं हो रहा था। 20 साल से एक एलर्जी की बीमारी थी, अगर मैं रात में अगर एक सिट्रीजिन का गोली ना खाऊं तो दूसरे दिन ठीक भी नहीं हो सकता। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, मैं प्रॉब्लम्स गिनाने लगूं तो बहुत समय लग सकता है सर। सो मेरे को कहीं फ़ायदा नहीं हुआ। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जब कुमार स्वामी जी के यहाँ मैं गया था, वहाँ से आने के बाद मुझे अपने फैक्ट्री में एक जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ पर मेरे ही एक भाई थे जो वहाँ पर काम करते थे, उनका नाम सनी दास था। उन्होंने मुझे बताया कि एक गुरु हैं, एक ऐसे पुरुष हैं जिनका ज्ञान सुनने के बाद आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे एक बुक दिया जिसका नाम था ज्ञान गंगा, और उस ज्ञान गंगा को मैंने पढ़ा। सिर्फ 18 पेज भूमिका से लेकर सिर्फ 18 पेज पढ़ा, तो मैं वहाँ से 10 दिन के बाद यहाँ आके मैंने नामदान ले लिया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको उन सवालों के जवाब मिले जो आप ढूंढ रहे थे? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज के पास के शरण में आने के बाद मुझे उन सारे सवालों के भी जवाब मिले, और उनके अलावा जो क्वेश्चन एराइज होते गए उन सारे सवालों को भी जवाब मिलते गए, क्योंकि उनका जो ज्ञान था वो विस्तृत रूप में और एकदम सुई की नोक से भी छोटी छोटी जो बारीक जो क्वेश्चंस होती हैं उन सारे क्वेश्चंस को क्लियर करती हुई मेरे मतलब कि अंतर आत्मा के जितनी भी क्वेश्चंस थी, जितनी भी सवाल थी, उसको जो है एक एक करके मैंने क्लियर किया। और मुझे लगता है कि वो जो ज्ञान आते हैं, जो वेद पुराण जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो जिसे हर घर में होना चाहिए, जिसे पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है, सो उसे मैंने पढ़ा है। मैंने हर एक सवाल को, हर एक जो रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं, वो सारे को मैंने एक एक करके गीता जी से या ऋग्वेद से मंडल 9 में जो उन्होंने जो जो बताया सारे को मिलाया, प्रमाण लिया। प्रमाण लेने के बाद मैंने सारा कुछ देखा कि सारा जो विधि है उनका, सारा जो पूजा है वो बिल्कुल सही है। पूर्ण परमात्मा को पाने का इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के शरण लेने के बाद मेरे को बहुत लाभ हुए हैं। हालांकि मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे शरीर में जो बीमारी है वो ठीक कभी होंगे, क्योंकि मैंने जिस दिन मैंने नामदान लेने का सोचा था उस दिन मेरे मन में सिर्फ इतना ही था कि मैं सिर्फ पूर्ण परमात्मा के पक्ष में जा रहा हूँ, उनके शरण में जा रहा हूँ, मेरे को वो भक्ति मिली है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, मुझे वो क्वेश्चन के आंसर मिले, बस इस कारण से मैंने नामदान लिए थे। लेकिन 3 महीने जो एलर्जी से मैं 20 साल से परेशान था, जिसके पीछे मेरे माता पिता ने बहुत सारे पैसे लगा चुके थे, मैंने पटना में भी दिखाया, एम्स में भी दिखाया, यहाँ तक मोहाली में भी दिखाया और लुधियाना में भी कई साल तक मेरी दवाई चली है, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि आपको डेली का एक सेट्रीजिन डेली खाना ही पड़ेगा। वो जो है सिर्फ उनके प्रथम नाम मंत्र 3 महीने जाप करते हुए हुए, और मैं डेली दवा खाता था। गलती से मेरे से भगवान की माली की कृपा थी कि एक दिन छूट गया और मैं कहीं चला गया था और दवाई लेना ले जाना भूल गया, तो वो क्या हुआ कि दूसरे दिन मेरे को एलर्जी नहीं निकला। फिर मैंने क्या किया, एक दिन बीच करके खाना शुरू कर दिया, उसके बाद 2 दिन गैप करके खाना शुरू कर दिया, उसके बाद 4 दिन गैप करके खाना शुरू कर दिया। मेरी वाइफ ने कहा कि आप जो है ना इसको बंद करके देख लो। मेरी वाइफ के कहने पर मैंने एक बार बंद किया और उसके बाद आज तक मैं बिना दवाई के हूँ सर, लेकिन आज तक मेरे को वो बीमारी नहीं हुई। मैंने एक इसका लाभ और भी है कि मैं लुधियाना में अपने 3 साल पहले जॉब छोड़ के मैंने एक छोटा सा फैक्ट्री लगाया था, उस फैक्ट्री को चालू करने के लिए मेरे पिताजी जो है वो 1 लाख का उधार लेकर मेरे को दिए थे, जो कि 2 साल चलाने के बाद भी मेरा जो है ना सक्सेस नहीं हुआ और बहुत सारा पैसा
डूब गया। मुझे तो यही पता लगा कि जितनी साधना मैंने पहले की थी उसका मेरे को भरपाई ही करना पड़ा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो मेरा 30,000 का जॉब था वो आज के डेट में करीबन 1,00,000 से ऊपर हो गया है। उसके अलावा मेरे जितने भी कर्ज थे वो सिर्फ एक साल के अंदर में सारे ख़त्म हो गए। मेरी शारीरिक सुख के बारे में बता दिया कि मेरा रोग मुक्त हूँ। मेरे घर में मेरी वाइफ है वो भी नामदान ले चुकी है और मेरा 6 साल का बच्चा है वो भी नामदान ले चुका है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मगुरुओं को चैलेंज कर रखा है, आपको कैसा लगता है? सर, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे जब से पता चला कि पूर्ण परमात्मा जो है वो 600 साल पहले कबीर जी के रूप में यहाँ पर आए थे और सारा ज्ञान दे के गए, उसके बाद ही सारे पंथ चले हैं। उन्होंने क्लियर ये बताया हुआ है, अपने पूरे प्रमाण के साथ दिया हुआ है कि वो 12 जो पंथ हैं वो मतलब कि बिल्कुल इनके ऊपर बेस्ड है, बट वो बिल्कुल गलत है। और जितने भी महाराज हैं, जितने भी, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ या मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल बात है कि उनके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, निराधार बात है। जो भी घर में छोटी बड़ी जितनी भी तरह की पूजा होती है वो सारे वेद पुराण के अकॉर्डिंग होती है, मैं मानता हूं। अगर भक्त समाज से ये मेरी क्वेश्चन है कि अगर वो पूजा पर विश्वास करते हैं जो वेद में लिखा हुआ है, उस पूजा के अकॉर्डिंग जो शादियां होती हैं या जो जितने तरह के छोटे मोटे बड़े जितने भी पूजा होते हैं अगर उसमें विश्वास करते हैं, तो उसमें ये लिखा हुआ क्यों नहीं पढ़ पाते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर साहब हैं, उनके बारे में, पूर्ण परमात्मा के बारे में जिक्र हर एक जगह किया हुआ है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी का वाणी हो, चाहे वो अपने वेद हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे हमारे गीता जी हो। गीता जी के तो हर एक अध्याय में उनका वर्णन किया हुआ है। और सिर्फ हम लोग मानते हैं कि कृष्ण जी भगवान है, तो अगर भगवान है तो उनकी बात को क्यों निराधार किया जाता है? उनके द्वारा जो द्वापर युग में जो बोला गया था, हम लोग मानते हैं कि ये जो ग्रंथ हैं वो सिर्फ हिंदुओं का अधिकार नहीं, मेरे मानना है कि ये हिंदुओं का अधिकार नहीं है, ये हर एक धर्म का है, हर एक जाति का है। क्योंकि जब ये वेद पुराण और गीता जी का उपदेश दिया गया था उस समय कोई धर्म नहीं थे। सो मेरी हर एक समुदाय से भी ये अनुरोध है कि वो सारे ग्रंथ को पढ़ें, ये सिर्फ हिंदू का नहीं, ये मुसलमान का भी ग्रंथ है, ये सिख का भी ग्रंथ है, ये ईसाई का भी ग्रंथ है, और उनको एक बार देखें, उनको चेक करें कि हमारे जो पंडित लोग हैं, हमारे जो पुरोहित लोग हैं, वो अगर जो बता रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। क्योंकि आज का समाज जो है वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो इतना तो समझ रख सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। सो मेरे अनुसार से वो जो चैलेंज किए हैं बहुत सही है और ये काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, जो श्रद्धालु देख रहे हैं, मैं तो ऐसे बहुत छोटा आदमी हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं उनको कोई संदेश दे सकूँ, लेकिन उन लोगों से मेरी ये विनती है कि वो समाज में बहकाए हुए जितने भी पंथ हैं उनके विषय में, उनके बारे में जानकारी लें कि वो सत्य क्या है, असत्य क्या है। क्योंकि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, अगर हिंदू को जानना है तो हिंदू को नहीं देखिए, उनके धार्मिक ग्रंथ को देखिए। अगर ईसाई को जानना है तो उनके धार्मिक ग्रंथ को देखिए। जो हमारे ग्रंथ हैं वो बिल्कुल पुराने हैं, सनातन धर्म के हैं, जब आदिकाल थी उस समय से आए हुए हैं। तो हमारे धर्म बताते हैं कि वेद हमारे भेद हैं, ये सारे लोग जानते हैं। मनुष्य जीवन एक बहुत दुर्लभ जीवन है, ये पता नहीं अगले जीवन में आएगा कि नहीं आएगा, हम अगले योनि में किस योनि में जाएंगे, किस योनि से आए ये पता नहीं है। सो अपने मनुष्य जीवन को मेरे विचार से आप लोग को जो है ना वेस्ट, किसी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो एक बार अगर मनुष्य जीवन मिला है, ये वो समय है, परमात्मा के रूप में गुरु जी इस धरती पर मौजूद है, हम लोग भी मानव शरीर में इस धरती पर मौजूद है, तो इस मानव शरीर को वेस्ट ना करें। सो मेरा यही विनती है मानव समाज से और अपने परख से गुरु करें, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का बहुत आसान तरीका है। इनका जो है ना प्रोग्राम हर एक दिन संध्या टीवी पर 7:30 बजे से आता है, ईश्वर टीवी पर आता है और बहुत सारे चैनल जिस पर आते हैं, उसके नीचे में जो पंच लाइन होती है, जो येलो कलर की लाइन होती है, उस पर भी लिखी होती है। जो भी नंबर है, जहाँ से भी इंडिया के कोई स्थान पर हो या इंडिया के बाहर भी हैं, जो जिनके यहाँ केवल आजकल तो नेट का सिस्टम है, तो सारे जगह यह मौजूद है। वहाँ से अगर वो किसी नंबर पर भी डायल करते हैं तो वहां से उनको जो है ना, उनके बगल में जो भी नामदान केंद्र है वहां से उनको जो है ना वो सब कुछ जो है ना साधन उपलब्ध कराया जाता है और नामदान दे दिया जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।